हेलो इट्स मी बाबर में जी, वेलकम बैक। आज जो हम लोगों का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारी सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उधर हमारी आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हो। तो लेक्चर हम लोगों ने 6 लेक्चर्स को अपलोड कर दिए होगा, तो इंट्रो को डाल के लेक्चर 7 हमने अपलोड कर दिए होंगे, आप उनको लाजमी देखें। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टिंकरकैड को ओपन कर लेंगे, अपने डैशबोर्ड को। तो जैसे कि हम लोगों ने जो बेसिक मेन चीज़ें थी अपने आर्डिनो की, टिंकरकैड के ज़रिए उसको चेक कर लिए। तो आज जो हम लोग जंप करेंगे, थोड़ा सा अपने सेंसर्स को देखेंगे। उन सेंसर्स को देखने के बाद आज हम लोग की कोशिश रहती है कि जो भी हम सेंसर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो सकता है उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और मैं पहले दिन से भी आपको बात कर चुका हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इधर एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, सेम टू सेम वही सर्किट जो है आप लोग रियल टाइम पे करते हो। तो आप राइट साइड पे देख सकते हो अपने काफ़ी सेंसर मौजूद हैं। तो आज जो हम लोग सेंसर इस्तेमाल करेंगे वो फोटो रेजिस्टर है, जिसको LDR भी बोला जाता है। तो हम लोग अपना एक इधर कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यूजिंग LDR, एंड लेक्चर हमारा होगा ये 8। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए बच्चों, हम ले लेते हैं। एक हमें आर्डिनो चाहिए, आर्डिनो का हम फैट प्रिंट निकाल लेते हैं। हम लोगों को ब्रेड बोर्ड चाहिए, और सॉरी, हम लोगों को ब्रेड बोर्ड चाहिए। तो हम लोग ब्रेड बोर्ड अब बाहर निकाल लेते हैं। हम लोगों को स्ट्रीट लाइट है तो LED चाहिए होगी हमें। हम एक लोग LED निकाल लेते हैं और उसको मैंने इधर अटैच कर दिया। और फोटो रजिस्टर एक चाहिए हमें, और एक फोटो रजिस्टर निकाल लेते हैं। फोटो रजिस्टर की बात करें तो ये वो वाला रजिस्टर होता है कि जिसके ऊपर कोई लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो ये हमारे पास क्या करती है, अपने रजिस्टर कम करने के बाद अपना पॉट ऑन कर देती है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम काम करेंगे कि हम लोग इसका पॉट को ओपन और क्लोज करेंगे। और जिस तरह हमने लास्ट में अपना बटन इस्तेमाल किया था, हम लोग अपने बटन की तरह निकाल लेते हैं कि जिस तरह हमने बटन को इस्तेमाल किया था वो भी एक एनालॉग के ऊपर रीड किया था। और ऐसे ही हम लोग इसको भी इस्तेमाल करेंगे। सेंसर काफ़ी सिमिलर हैं सारे के सारे जो इसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे आर्डिनो के साथ। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अपना पहला थंब रूल निकाल लेते हैं कि पहले हम करेंगे ग्राउंड, ये एक थंब रूल है जिसको आपने लाजमी करना है। और तो डिज़ाइनिंग आपने बेहतर करनी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सीधी सीधी लाइन लगा देते हैं, तो उससे उनका स्ट्रक्चर में काफ़ी उनको भी डिज़ाइनिंग करने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए समझने के लिए आप प्रॉपर उस चीज़ को करें वो। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो पावर लगा लेते हैं, ठीक है। पावर लगाने के बाद इसको थोड़ा कलर दे देते हैं। ये हमारे पास रेड कलर है, तो इस तरह हम इनको पावर अप कर देते हैं अपने मॉड्यूल्स को। अब हमारे पास ये एनालॉग सेंसर्स है। एक आप चीज़ याद रखिएगा कि जैसे भी जिस तरह मैं भी एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, रियल टाइम के ऊपर भी आप एनालॉग सेंसर्स को इसी तरह कनेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ, ये एनालॉग सेंसर्स है। तो एनालॉग सेंसर के अंदर हम लोग एक रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर को ऑन कर लेते हैं। एक पुल अप रजिस्टर हमारे पास होता है, इसको पॉजिटिव पे लगाएंगे और इधर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव के साथ। तो आपको पता है कि ये ब्रेड बोर्ड के ऊपर ये नेगेटिव है, तो पूरे का पूरा जो शॉर्ट है वो नेगेटिव है। ये मैं 10K का रजिस्टर है मेरे पास, तो मैं 10K का रजिस्टर रखूँगा इसको। ओके, नेक्स्ट जब मैं मूव ऑन करूँगा तो मेरे पास एक LED है। तो हमारा जो थंब रूल है कि कोई जो भी LED होगी उसके साथ हम कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये पुल अप रेजिस्टर होता है 22 ओम का, 22 ओम का कर लें।
ओके अगर नेक्स्ट हम मूव ऑन करें तो इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, और ये मेरे पास एलईडी है तो इस एलईडी को कोई डिजिटल पे लगा देता हूँ। तो मैंने पिन 7 पे अटैच कर दी है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप 2 पे लगा रहे हो 3 पे लगा रहे हो तो कोडिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इन दोनों के दरमियान से इधर से जो रजिस्टर है फोटो रजिस्टर है इनके दरमियान से आप क्या लोगे एक वायर लोगे, उसको किसी भी एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एनालॉग सेंसर है। एनालॉग सेंसर कभी भी अटैच नहीं किया जाता डिजिटल पिन के साथ, एनालॉग सेंसर हमेशा अटैच किया जाता है एनालॉग पिन के साथ। अब इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सर्किट रेडी हो चुका है। अब आप तो अगर आप देखोगे LDR जो आपको रियल टाइम के अंदर मॉड्यूल मिलेगा वो इस तरह का कोई मॉड्यूल होगा। आप इसको जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये पहले से ही बोर्ड के ऊपर आपके ऊपर रजिस्टर और ये चिप लगी हुई है, तो आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अकेला ये LDR इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको ये पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ओके मूव ऑन करते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग का जो हमारा पहला थंब रूल है उसी को हम फॉलो करेंगे। देखें अभी तक हम कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एज डिफाइन LED है, LED है 7 नंबर पे लगाई है मैंने, हैश डिफाइन मैंने इस पर लगाई है, LDR नाम रख लेता हूँ। मैंने कहाँ पे लगाया है, ए नॉट पे। ओके ये हमारा लेक्चर सर्किट अब तैयार हो चुका है, तो हम किसी तरफ मूव ऑन करेंगे, हम अपने कोड की तरफ जाएंगे। तो कोड करने से जो हमारे पास चीज़ें हैं इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके वही हमारे पास अभी तो थंब रूल है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। हैश डिफाइन LED है, किस नंबर पे लगाई है मैंने, 7 नंबर पिन पे लगाई है, तो इसको 7 नंबर पिन अलॉट कर देंगे। और डिफाइन LDR है तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ये तो हम सिंपल इसका इंडिकेशन करते हैं, इसलिए रखते हैं हम इसको, तो हम इसको ए नॉट रख लेते हैं। मैंने ए नॉट के ऊपर ऐसे अटैच किया। तो सीरियल डॉट बिगिन, आपको पता है कि जब हम ये सीरियल डॉट बिगिन रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ये जो सीरियल मीटर है इसको ऑन करना चाह रहे हैं, उसका बॉड रेट 9600 रखना चाह रहे हैं। थंब रूल वही है कि मैंने LED इसको क्या रखना है, LED एज आउटपुट कैपिटल। ओके नेक्स्ट है हमारे पास पिन मोड LDR, इसको हमने रखना है। अब आपको पता है कि एक चीज़ हमें एक थंब रूल बनाया हुआ है। थंब रूल क्या है, एक नॉर्मल चीज़ है कि जब भी कोई बाहर से कोई चीज़ है, एक सेंसर है, वो अपने Arduino को किसी पिन के ऊपर भी डेटा दे रहा होता है तो वो वाली पिन एज आ इनपुट कहलाती है। तो ये वाली पिन मैं क्या रखूँगा, एज आ इनपुट। ओके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। आपको पता है कि जैसे हम लोग डिजिटल पिन को हम रीड करते हैं, उसको राइट करते हैं, तो ये एनालॉग पिन है तो इसको क्या करेंगे, एनालॉग रीड। किसको रीड करना है, मैंने LDR को, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ए नॉट भी रख सकते हो, जो आपने ऊपर पिन रखी है ए नॉट ए ज़ीरो, आप उस ये भी कर सकते हो। तो भी मैं उसको अपने कोड को बेहतर करने के लिए मैंने LDR कर दिया उसको। अब मैंने ये रीड कर लिया तो मैं किसी ना किसी वेरिएबल या किसी ना किसी एक वेरिएबल को दूंगा जो इसकी वैल्यूज को सेव कर ले, तो वो मैं इंट कर लेता हूँ LDR आउटपुट। आप कुछ भी रख सकते हो, आउट कोई भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आप नाम रखो, इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट आपको नंबर जो देता है वो पॉइंट्स पर देता है, और करेक्टर और स्ट्रिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो करेक्टर होते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको जो रीड होंगे तो कोई ना कोई वैल्यूज रीड होंगी। तो अब यहाँ पे क्या रखोगे, आप रखोगे LDR आउट इज इक्वल टू, मतलब कि जो कुछ भी रीड हुआ है LDR इस वाली पिन के ऊपर जो कुछ भी रीड हुआ है वो आप किसको दे दो, इसको दे दो। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरे पास कोई वैल्यूज शो नहीं होंगी, कोड तो रन हो जाएगा मतलब वैल्यूज शो नहीं होंगी। उसके हिसाब से बड़ी वजह क्या है कि मैंने कोड के अंदर इस चीज़ को देखा ही नहीं है, मतलब कि हम अपने कोडिंग में बताते हैं कि
जो वैल्यूज इससे आ रही हैं उसको दिखाओ, हम कहाँ देखना चाहते हैं, हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर देखना चाहते हैं। तो सिंपल डेट हम क्या करेंगे, लिखेंगे एस बड़ा एस सीरियल डॉट, प्रिंट कर दो वैल्यूज़ को एल एन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक देने के बाद नीचे चली नीचे वाली लाइन पे शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसे प्ले करता हूँ, आज आप एल एन का जादू भी देख रहे हैं, ये मेरे पर वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं इधर से इसको मूव ऑन करता हूँ तो देखें मेरे पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर मैं डिसीजन मेकिंग कर लूँगा, इसकी कंडीशन अप्लाई कर दूँगा। अब चेक कर रहे हो वैल्यूज़ आगे पीछे हो गया। अभी इसका मतलब क्या है कि इधर हम फिर बना हुआ है रोशनी का एक सूरज टाइप कुछ बनाया हुआ है सिंपल, कि जब मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो रोशनी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो रही है मेरे पास उसकी कम हो रही है, तो वो वैल्यूज मेरे पास ये आ रही है। जब मैं इधर करता हूँ देखिए वैल्यूज मेरे पास ज़्यादा आ रही है, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए था और आपकी वैल्यूज ऐसे ही आनी चाहिए। अब हम एक इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। अच्छा एलन का जादू देखने हैं, जब मैं एलन हटा देता हूँ, लास्ट टाइम भी आपको मैंने सिखाया था वैसे, तो अब वैल्यूज आगे को मूव ऑन करेंगे, ये चेक करें आगे कुछ आ रही है। तो जब हम यहाँ पे एलन अप्लाई कर देते हैं तो न्यू लाइन पे वैल्यूज शुरू करता है, तो इस चीज़ का अपने खास ख्याल रखना है। ओके अभी एक इसकी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इफ ठीक है, मैं कहता हूँ एल डी आर आउट, अगर एल डी आर की वैल्यूज छोटी होती हैं किससे, अब इस साइड पे कर रहा हूँ जो वैल्यूज़ छोटी हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कर देता हूँ 300, कुछ भी कर सकते हो अपने लिहाज से, आपने कहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करना है। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए मेरे पास एलईडी ऑन होनी चाहिए, डिजिटल राइट एलईडी में, एलईडी मेरे पास क्या होना चाहिए, एलईडी हाई, ठीक हो गया। और एल्स पे क्या होना चाहिए, एल्स मैंने आपको ये इफ और लूप सारे सिखाए थे प्रॉपर, एक अपने पीछे जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लें, क्योंकि वो वीडियोस बहुत काम की हैं, काफ़ी कंसेप्ट जो है आप सारे फर्स्ट वाले ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि पुरानी वीडियोज़ को लास्ट नहीं देखें हमारे चैनल के ऊपर, और वीडियोज़ को देखने के बाद मूव ऑन करें आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ। अब इसका मतलब बच्चों ये है कि एल डी आर की वैल्यू अगर जब 300 से छोटी होगी तो वो क्या कर दे, हाई कर दे एल ई डी को, और अगर छोटी नहीं होती तो वो कह रखे लो ही रखे, एल्स का लूप लगा दिया मैंने। ठीक है अब इसको प्ले करके देख लेते हैं, अब इसको प्ले करते हैं तो हमारे पास चीज़ें देख चेक करें, ये देखें जब मेरे पास वैल्यूज कम होगी मेरे पास एल डी क्या हाई होगी, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ 500, तो मेरे पास एलईडी ऑफ हो गई। और हमारे पास रियल टाइम के अंदर भी हमारे पास स्ट्रीट लाइट ऐसे ही बिहेव करती है, और हम लोगों ने आपको बोला है कि जो जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, जब उन लोगों को हम लोग हार्डवेयर प्रॉपर आपको बनाना सिखाएंगे तो उस हार्डवेयर के अंदर भी सेम यही कोड इस्तेमाल होंगे, इन्हीं कोड को हम लोग अपलोड करेंगे और इन्हीं सर्किट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो रियल टाइम पर भी ऐसे ही बिहेव करेंगी। तो आज हम लोगों ने जो सीख लिया वो ये है कि स्ट्रीट लाइट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, और रियल टाइम के अंदर भी आपके पास जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं रोड के ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही बिहेव कर रही होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं सीरियल मॉनिटर को, तो आप इसकी वैल्यूज को नहीं देखना चाहते तो डबल क्लिक करते हैं और आप कहते हो कि इधर लाइन लिखी आए सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है एल एन क्या लिखा है स्ट्रीट लाइट ऑन, ठीक है सेम ऐसे ही लिखा है, अगर वो ये अगर नहीं ऑन होती तो ऑफ लिखा है, तो एल्स में जाकर क्या कर देंगे आप उसको ऑफ कर देंगे। अब ये वे नंबर्स नहीं लिखे आएंगे क्योंकि मैंने नंबर्स को कमेंट आउट कर दिया, मैंने उसका कोड रिलीज कर दिया, अब यहाँ पे नंबर्स हैं उसकी वैल्यूज नहीं लिखी आएंगी। अब वहाँ पे लिखा है स्ट्रीट लाइट ऑफ है, अब मैं सिंपल इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई, दैट्स वेरी नाइस। तो ये है हमारा जादू C++ का, जिसके अंदर कोडिंग बहुत ही आसान है, इसके अंदर सर्किट डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है, तब तक आसान है जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो।
नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।